दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में एक यति यानी हिम मानव की कहानी जो है लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है और कई बार इन्हें देखे जाने की भी खबरें आती रहती हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिम मानव यानी यति को उन्होंने देखा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यति एक विशालकाय जीव है जिसकी शक्ल और सूरत तो बंदर जैसी है लेकिन वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर सुने जाते हैं, हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक भी एक मत नहीं है। दोस्तों, भारत के ग्रामीण इलाकों में कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं जिसमें कई बार बहुत से अजीब कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसमें हिम मानव, आदि मानव या फिर विशालकाय कोई अन्य जानवर इत्यादि पाए जाते हैं। वर्तमान में ऐसे ही एक हिम मानव की चर्चा हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने को लेकर होती है। इसे शेरपाओं की लोक भाषा में यति कहा जाता है। दोस्तों, यति एक बंदर जैसा दिखने वाला हिम मानव है जो औसत मानव की तुलना में लंबा होता है और इसका वजन लगभग 100 से 180 किलोग्राम तक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यति हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर अधिकांश मनुष्य रहना पसंद नहीं करते हैं और इस हिम मानव की विशाल आकार के कारण इसे अमेरिका जैसे देशों में बिग फुट या फिर बदसूरत हिम मानव भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यति का रहस्य करीब 900 साल पुराना है और यति के आकार आकृति को लेकर अलग अलग किस्से और कहानियां हैं, लेकिन यह असल में किसी को नहीं पता कि ये आखिर कैसे होते हैं। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों ने हिम मानव को देखने के दावे किए थे। इसके अलावा नेपाल और तिब्बत के हिमालय में भी इसे देखे जाने का दावा किया जा चुका है। दोस्तों, यति के बारे में कहा जाता है कि ये विशाल बानर जैसा होता है जिसके पूरे शरीर में बाल होते हैं जो कि बंदर की तरह दिखता है लेकिन इंसानों की तरह दो पैरों पर चल सकता है। यति के बारे में प्रचलित है कि ये हिमालय की गुफाओं और तंद्राओं में रहते हैं। दोस्तों, यति के किस्से 326 ईसा पूर्व में भी मिल जाते हैं। जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था, उसने यति को देखने की इच्छा जाहिर की क्योंकि उसने यति की कहानियां सुन रखी थी, हालांकि उसे यति देखने को नहीं मिला। दोस्तों, कुछ रिसर्चर यति को पोलर बियर की प्रजाति से जोड़ते हैं जो करीब 40,000 साल पुरानी बताई जाती है। दोस्तों, भले ही यति एक रहस्य का विषय हो लेकिन यति हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है और आप यति के नाम से हिमालय के आसपास कई सारी चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यति के नाम से होटल मिलेंगे, बल्कि यति एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। वैसे यति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।